कुछ बात स्वामी महाराज का ये वचन परमेश्वर के स्वरूप को वर्णन करता हुआ सचित एवं आनंद स्वरूप है परमात्मा, मैं उनको वंदना करता हूँ। वंदे राम, उनको राम शब्द से संबोधित करके तो मैं वंदना करता हूँ। गीता जी में भी सर्वक्षणों आज भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है। दसवें अध्याय का शुभारंभ होता है विभूति योग नामक दसवां अध्याय। विभूति अर्थात विशिष्टता, विशेषताएं, वैचित्र, जो कुछ भी अद्भुत सा दिखाई देता है, भगवान श्री इस अध्याय में वर्णन करेंगे। ऐसा कुछ मुझसे है, इंसान में मैं इस रूप से हूं, पीपल के पेड़ में ऐसा हूं, चंद्रमा में ऐसा हूं, सूर्य में ऐसा हूं। ये सब विभूतियां, विशेषताएं, विशिष्टताएं भगवान श्री इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं, पर अर्जुन की प्रीति पर भगवान श्री डुले हुए हैं, मुक्त हैं। तो मुझसे प्रीति करने वाले को मैं अब व्यक्त बताऊंगा। विशेषण देखिए, मुझसे प्रीति करने वाले को मैं तो पूछ नहीं रहा मुझसे, लेकिन तेरी प्रीति है मेरे साथ, फिर मेरी भी है। तो उस प्रीति के कारण मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। मन इस अध्याय में भगवान श्री भूमिका तैयार करेंगे ताकि अगले अध्याय में अर्जुन तैयार होकर कहे मैं वैसा कुछ देखना चाहता हूं। तो विश्वरूप दर्शन अगला अध्याय भगवान श्री शुरू करेंगे, ग्यारहवां अध्याय भूमिका बना रहे हैं। पढ़ेंगे सत्क्षणों, इसमें अनेक गुणों, अनेक वस्तुओं, एक अनेक व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिनमें मेरा विशेष प्रकाश कार्य करता है। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। राजा अकबर और बीरबल कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बीरबल ने तुलसी का पौधा देखा, मत्था टेका, प्रणाम किया। अकबर ने पूछा क्यों प्रणाम कर रहे हो इस पौधे को, कहा ये तुलसी माता है। तो इनमें आपस में नोक झोंक चलती रहती थी, अकबर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते थे और बीरबल बहुत सुंदर उत्तर उड़े देते थे। कहा इस नन्हे से पौधे को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्या है इसमें, कहा ये तुलसी माता है। अकबर ने कहा बड़ी विचित्र बात है, हिंदू कैसे हैं, कभी तुलसी को माता कहते हैं, कभी गौ को माता कहते हैं, कभी पृथ्वी को माता कहते हैं, पर जो माता है वो माता है ही। मैंने सुना है ये परमात्मा को भी माता कहते हैं, मां कहते हैं, कितनी माए हैं हिंदुओं की। एक व्यंग सा कसा और तुलसी को टांग मारती राजा अकबर ने। बुरा लगा बीरबल को, लेकिन परमेश्वर ने सदा बीरबल का साथ दिया है, खासकर राजा अकबर की बुद्धि को ठीक करने के लिए, तंदुरुस्त सात्विक रखने के लिए। आगे चलते गए तो बिच्छू बूटी दिखाई थी, यहां बहुत होती है बिच्छू बूटी, आप लोग चटनी भी बनाते हो बिच्छू बूटी की, कहते हैं पेट की एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, हाइपर एसिडिटी जो होती है। बीरबल ने उसे भी प्रणाम किया, बिच्छूटी को। अब ये कौन है, अकबर ने पूछा।
कई हमारे पिताश्री हैं, इसलिए बिच्छूटि को प्रणाम किया। बादशाह अकबर ने उसे ऐसे ही टांग मारती जैसे तुलसी को मारी थी। बिच्छूटि के स्पर्श करने से सारे शरीर पर विशेष जहां स्पर्श किया जाए वहां खारिश शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो गई। राजा अकबर खारिश कर रहे हैं, एक ऐसा बाप है तुम्हारा। राजा अकबर बीरबल को कहता है मेरे सारे शरीर पर खारिश। कहा बादशाह सलामत, आपने मेरी मां का अपमान किया था, पिता ने बदला लिया है, कैसे ठीक होगी? राजा अकबर पूछते हैं ये कैसे ठीक होगी? कहा चलो मेरी मां के पास क्षमा मांगो तब ठीक हो जाएगी। कहते हैं हरिदास जी सुना है ऐसा कि तुलसी का रस लगाने से जहां खारिश होती है बिच्छूटि के साथ भी ठीक हो जाती है। विभूति योग ये परमात्मा की विभूतियां है। आज तुलसी के लिए कहा है, कल को पीपल के लिए कहेंगे। पूछ है पीपल ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है, वास माना जाता है पीपल पर। वृक्षों में का पीपल, पीपल का पेट, आप विभूति योग में ऐसी बातें अनेक। हम लोग ऐसे नहीं मत्थे टेकते पीपल को, तुलसी मां की पूजा ऐसे नहीं करते। कारण है इनके पीछे भगवान श्री ने स्वयं कमिट किया हुआ है, स्वयं कहा हुआ है इन चीजों के लिए कि इनमें मेरा वास है, विशेष वास है इन चीजों में मेरा, तभी हम इनकी पूजा करते हैं। हिमालय पर्वत इतना उच्च है, पर्वतों में हिमालय पर्वत। अनेक सारी बातें इस विभूति योग में पढ़ोगे आप। तुलसी की महिमा देवी सोचनो और थोड़ी वर्णन करते हैं। एक राजा के पास एक युवक मुसलमान नौकर है, बड़ी देर से नौकर है, राजा की निजी सेवा करता है। आज क्या देखते हैं कि उस युवक के गले में तुलसी की माला, मुसलमान है। राजा बहुत चकित, देख पहले कभी देखी नहीं, शायद ध्यान से देखा नहीं पहले कभी, कब से है पता नहीं, लेकिन आज दृष्टि तुलसी की माला जो गले में डाली हुई थी उस पर पड़ी। पूछा क्या तुम हिंदू हो गए हो? राजा ने पूछा नहीं साहब। फिर से तुलसी की माला तुम गले में डाली हुई है? तुलसी की माला तो हिंदू डालते हैं, देवी देवताओं के गलों में डाली जाती है, इससे नाम जपा जाता है इत्यादि इत्यादि। एक मुसलमान युवक ने इसे क्या करना, क्यों गाली डाली हुई है गले में? युवक कहते हैं साहब एक बड़ी विचित्र घटना मेरे से घटित हुई, आप कहो तो मैं आपको वर्णन कर सुनाऊं। राजा ने कहा सुना, आप बीती, ये मुसलमान आप बीती सुना रहा है। कहते हैं कुछ वर्ष पहले मैं कहीं घूम रहा था तो मुझे जिन्हें आप लोग राजा को कहा, जिन्हें हिंदू लोग यमदूत कहते हैं, छाया दो मुझे विचित्र छाया दिखाई थी। आप लोग उनको, हिंदू लोग उन्हें यमदूत कहते हैं, ये मुसलमान सुना रहा है। मैंने अनुमान से समझा कि ये वही है, मैंने उनको प्रणाम किया। पूछा आप किस काम से यहां पधारे हैं? यमदूत का तो एक ही काम है, जिसकी मृत्यु होती है उसके आत्मा को, उसके जीवात्मा को वे ले जाते हैं, इसी काम के लिए वो आते हैं।
यमदूतों को लगा कि शायद ये समझने लग गया है कि मेरी मृत्यु आ गई है। वो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखते हैं, तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनको तो सबको ले जाना ही ले जाना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो हमारे बनाए हुए हैं ना, उनके लिए तो सब मर गया मर गया, उसका जीवात्मा उन्होंने यमपुरी ले जाना है। कहा तेरी मृत्यु नहीं है, तुझे लेने के लिए नहीं आए। फिर कहने लगे मेरे साथ उनका वार्तालाप हो रहा है, कोई अल्लाह की कृपा ऐसा कुछ उसकी उसकी मेहर मेरे ऊपर कि इस प्रकार का मेरे साथ घटना घटित हुई। अभी अभी एक युवक बैलगाड़ी पर आएगा, यमदूत सुना रहे हैं, एक युवक बैलगाड़ी पर आएगा, एक खड्डा है, इसमें बैल फंसेगा, तो जो बैलों को बांधने वाला ऊपर जुआ लगाया हुआ होता है वह उखड़ेगा और उखड़ के बैल बीच में से निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे। एक बैल खूनखार बैल इसके पेट में अपना सींग मारेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, हम उसका जीवात्मा लेके चले जाएंगे। मुसलमान कहता है राजा साहब मैंने इन दोनों यमदूतों से कहा, हाथ जोड़ के कहा, अगर आप इजाजत दो, आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता हूं? इजाजत मिल गई। मैं एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया ये देखने के लिए, जो कुछ उन्होंने वर्णन किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बैलगाड़ी आई है, भागती भागती आई है, खड्डे में पांव पड़ा है, सब कुछ जैसा बताया था वैसा हो गया। बैल एक ने तेज सींग अपना उसके पेट में मारा, मानो ऐसे पेट फट गया हो, मृत्यु हो गई। लेकिन यमदूत वैसे के वैसे ही खड़े हैं, गए नहीं है। तो मुसलमान लड़का कहता है मैंने उनसे पूछा कि आप गए क्यों नहीं, उन्होंने कहा जहां इसकी मृत्यु हुई वहां तुलसी का पौधा था, और जहां तुलसी का पौधा होता है वहां हमारी चलती नहीं है। ऐसे नहीं हम हिंदू अपने घरों में तुलसी का पौधा रखते, कारण है इनके पीछे, हमें पता है या नहीं पता है वह दूसरी बात है, लेकिन कारण है इनके पीछे। वे यमदूत कहते हैं जहां तुलसी का पौधा होता है उस व्यक्ति की सदगति हुआ करती है, उसे पार्षद लेने के लिए आते हैं। अभी हमारे सामने सामने वे आए थे, आके तो जीवात्मा को अपने साथ ले गए, मानो ऐसे जीवात्मा को हम यमपुरी में या नरकपुरी में नहीं ले जा सकते। ये यमदूत तो जिनको यमपुरी में ले जाना हो, जिनको यम की यातनाएं देनी हो, जिनको नरक की यातनाएं देनी हो, उन्हें लेने आते। राम नाम के उपासक को यमराज के यमदूत लेने के लिए नहीं आते, उन्हें लेने के लिए पार्षद आते हैं, परमात्मा के पार्षद आते हैं। परमात्मा रथ भेजता है या किसी किसी को स्वयं भी लेने के लिए परमात्मा आते हैं, ये राम नाम की महिमा है। राम नाम के उपासक को यम की यातनाएं यमपुरी में यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, ऐसा शास्त्र कहता है। तुलसी का पौधा भी यहां हो, उसे परमात्मा के पास लेने के लिए आते हैं, हम उसे यमपुरी नहीं ले जाते। मन ही मन सोचा तुलसी का पौधा मैं अपने घर में लगा नहीं सकता, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैं तुलसी की माला पहनना नहीं छोड़ता, तुलसी की महला पहन के रखता हूं ताकि मेरी सदगति हो। वैसे तो मुझे पता नहीं वो बहिष्ट और दोजख कहते हैं, उर्दू के शब्द हैं, बहिष्ट अर्थात स्वर्ग, उनके ये दो शब्द ही हैं, या स्वर्ग में जाते हैं या दोजख नरक में जाते हैं।
मैं बहिष्ट में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा मुसलमान होते हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन तुलसी की माला जैसा उन्होंने मुझे कहा है, तुलसी की माला पहने हुए मुझे पक्का यकीन है कि मैं दोजख में नहीं जाऊंगा, मैं बहिष्ट में जाऊंगा। तो इसी बहाने मुझे स्वर्ग लोक के मालिक, देवलोक के मालिक के दर्शन हो जाएंगे। तब से लेके राजा साहब मैं इस माला को पहनता हूं। यह तो शक्ल सी उगती नहीं है, लेकिन नीचे प्रत्येक हिंदू घर में जो पुराने लोग हैं, नई पीढ़ियां तो बदल रही हैं, पर पुराने लोग जितने भी हैं सदृश रूप में सब अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। नियम है उनका, शाम को दीपक जलाएंगे, तुलसी के पौधे को मौली बांधेंगे जैसे पीपल के पौधे को की जाती है। तो ये उनका पूजन का ढंग है, पूजा की विधि है, जारी रखेंगे साधकों। आज 10वें 11वें श्लोक में भगवान श्री ने बहुत बड़ी बात की है, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। ये भजन क्या है? वे नहीं जो खिमी राम गाता है, नहीं, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। भजन क्या है और बुद्धि योग क्या है, कल से शुरू करेंगे चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।